अगर आपके फेस में ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा है और आपका स्किन में कोई ग्लो नहीं है, स्किन भी अच्छा नहीं लगता, पिंपल्स प्रॉब्लम्स होते हैं, तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा टोनर जो कि है गुड वाइब्स का ग्रीन टी टोनर। और इसको आप देख सकते हो मैंने कितना ख़त्म कर लिया, यहाँ तक ख़त्म कर लिया। तो उसके बाद मैं आपसे शेयर कर रही हूँ इसका रिव्यू। तो ओपन पोर्स अगर है या फिर पिंपल्स होता है, स्किन में ग्लो नहीं है, तो ये टोनर आप एक बार यूज़ करके देख सकते हो। बहुत अच्छा लगा ये मुझे यूज़ करके। हाय एवरीवन, आई एम अनुष्वा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, ये जो गुड वाइब्स का ग्रीन टी टोनर है, मिनरल वेल नहीं है, सल्फेट्स नहीं है, कोई भी केमिकल्स नहीं है इसमें। है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स, नीम, एलोवेरा, राइस, ऑलिव, ये सारी चीज़ों से ये बनते हैं। इसको आपको यूज़ कैसे करना है, सुबह उठिए, अच्छे से फेस वॉश कीजिए। फेस वॉश करने के बाद इसको जस्ट इस तरह से अच्छे से स्प्रे कीजिए अपनी स्किन में, और फिर थोड़ा सा ना डैब 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 ऐसा करके रख देना है। फिर थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, कोई ना कोई मॉइस्चराइजर आपको लगाना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करती हूँ सीटाफिल मॉइस्चराइजर। ये मॉइस्चराइजर बहुत अच्छा है विंटर के लिए, और समर में मेरा ऑयली हो जाता है स्किन। मैं जब समर आएगा तब मैं आपसे शेयर करूंगी मैं क्या यूज़ करती हूँ। तो ये विंटर के लिए और ऑल स्किन टाइप के लिए बहुत अच्छा है। ये आप बॉडी में भी लगा सकते हो, फेस में, मैं सिर्फ फेस में लगाती हूँ। प्राइस है 205 रुपीज़, लेकिन इसका पर्पल में ऑफर चलते रहता है गुड वाइब्स का। अगर आप क्रीम लेंगे तो इसके साथ टोनर फ्री देता है, तो अभी भी ऑफर चल रहा है, आप जाके चेकआउट कीजिए। और ये टोनर बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये नो अल्कोहल, नो पैराबेन, नो सल्फेट, इवन मिनरल वेल नहीं। और इसका स्मेल जो है बिल्कुल एकदम रोज़ की तरह, बहुत एक माइल्ड हल्का सा स्मेल है, और मुझे ये बहुत अच्छा लगा। अगर आप चाहते हो कोई अच्छा सा टोनर, मैं आपको ये सजेस्ट करती हूँ, आप इसको बेशक यूज़ कीजिए और आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। इसको आप मैन्युफैक्चरिंग डेट के बाद से 2 साल तक यूज़ कर सकते हो। और इसका क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा रहता है, मैं आपको बताती हूँ 120 ml क्वांटिटी रहते हैं। और गुड वाइब्स का मैंने बहुत यूट्यूबर को देखा जो लोग रेगुलर मेकअप वीडियो डालते हैं, और शुरू में वो लोग सिर्फ टोनर यूज़ करते हैं। जैसे मैं बताती हूँ, जैसे कि मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ स्वाति भमरा चैनल का, वो उसका स्किन कितना अच्छा है, वो रेगुलर मेकअप करती है और हर एक ब्रांड्स का मेकअप करती है, 50 रुपये वाला फाउंडेशन का भी मेकअप लगाती है, फाउंडेशन लगाती है, और कॉस्टली वाला भी। लेकिन उसका वो हमेशा से, शुरू से 3 साल से मैं उसको फॉलो करती हूँ, तो मैंने उनको देखा कि वो सिर्फ गुड वाइब्स का टोनर, क्लींजर, मॉइस्चराइजर सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, और उसका स्किन बहुत अच्छा है। और मैंने वैसे बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर को देखे हैं जो लोग रेगुलर मेकअप करते हैं और उसका स्किन बहुत ख़राब हो चुका है, तो उनको देख के मैं और भी कुछ देखी हूँ। जो लोग गुड वाइब्स यूज़ करते हैं उनका स्किन बहुत अच्छा रहता है, तभी मैंने भी इसको लिया है, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मैंने 15 डेज इसको यूज़ कर चुकी हूँ, हाफ हो गया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो गाइस, इस तरह का और भी चल, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों मेरी वीडियो शेयर भी कीजिए। मैं अनुष्वा, फिर मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।